15% हिंदू हैं। जब सनातनी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सनातनी की होनी चाहिए, क्रिश्चियनिटी की क्या मॉडर्न की क्यों बताइए? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सनातनी की होनी चाहिए, क्रिश्चियनिटी की क्या मॉडर्न की क्यों बताइए? मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं भैया, 20% हैं, तुम उनकी तो कर ही रहे हो। और जब 20% पाकिस्तान से आ जाएंगे, 20% और आगे से आ जाएंगे, 20% और आगे से आ जाएंगे, जब ये अखंड भारत बन जाएगा, निकलोगे कैसे? एरिया की रूट बदल रहे हैं, जिस रूट से पार्टी की समर्थक नहीं है, की करेंगे? सामने से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक नहीं है। को जरा सबर करो, क्या आप सीना ठोक के बोलते आएगी तो भारतीय जनता पार्टी दोगली है। तो गाइस वेलकम बैक माय टू शंगे नेड़ो के साथ, और आज वीडियो बनाने वाली अगेन बदबू पांडे होने वाली है रोस्ट विद रिपोर्टर के साथ, एंड मीडिया के जो बीच में जो ऑडियंस खड़ी होती है ना उनके, वो लोग इसको रोस्ट करेंगे। मतलब ये जो बोलेगी इसका जवाब दिया जाएगा बहुत उल्टा सीधा तरीके से। तो भाई जो इसका अंधभक्त है ना इस बदबू पांडे का, वो इस वीडियो को ना देखे तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो जो देखने वाला है वो लाइक कर दो और एयरफोन वगैरह डाल लो, मजा उसी से आता है, क्योंकि अपन ऐसा सुनेंगे तो दो तीन डायलॉग मिस हो जाते हैं, मीम्स मिस हो जाते हैं। तो वीडियो मजा आने वाला है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। जो बारी हो रहा है, जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, तो इनको चुलबुली काट रही है और कोई बात नहीं है। घुमा फिरा के बात कहाँ आएगी बेरोजगारी? कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है, जनरल वाले मर रहे, कहाँ से मिलेगा नौकरी? सरकार किसी के बाप की थोड़ी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आने दो, 20 लाख 10 लाख रोजगार देंगे। सरकार बनने के बाद क्यों भूल गए? क्यों आखिर हमारे राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में जाकर काम करने की नौबत आई? आखिर क्यों को दूसरे राज्य में जाकर काम करने की नौबत आई? आखिर क्यों? किसी एक का तो हो। बीजेपी के अगर साथ करते हैं तो मेघालय में बीजेपी कह रही है को बीफ खाना वहाँ पे जाइए, वहाँ का प्रेसिडेंट कह रहा है। बिल्कुल हम अगेंस्ट हैं बीजेपी के भी, हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं। बिल्कुल अच्छा, बीजेपी के अगेंस्ट हैं हम, हिंदुत्व के समर्थक में हैं, ना कि पार्टी विशेष के। एक बात हम मेघालय में कह रही है वहाँ का, हम एग्री नहीं करेंगे, खाना अलाउड है, हम एग्री नहीं करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सामने से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, की करेंगे? सामने से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। को जरा सबर करो, क्या सीना ठोक के बोलते आएगी तो भारतीय जनता पार्टी दोगली है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी है जो दो बार आ गई, तीसरे बार आने वाली। मैं इस सत्ता की बात कर रही हूँ सर, बर्दाश्त से बाहर देख रहे हैं। मतलब बर्दाश्त से बाहर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मैं मोदी, मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी हो जाऊँ? ऐसा कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न करूँ? मुझे ऐसा कौन सा कर दिया जो सब खड़े हो? कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न करूँ? मुझे जवाब दीजिए, मैं अभी विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगी। किसी एक का तो हो। बदल गई पार्टी, फिर तरफ करेंगे, वेलकम भी करेंगे। अरे हम जिहादियों से नफरत करते हैं भाई साहब, जो मुस्लिम हमारे डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर तारिक फतेह जैसे स्कॉलर, महान स्कॉलर जिसकी पैर की धूनी नहीं है जिहादी की, पैर की धूनी नहीं है जिहादी, वो जब मुझे फॉलो करके समर्थन देते हैं तो आपको लगता है मैं उनसे नफरत करूंगी? अरे ये तो अपने हैं, चार पुश पीछे जाइए, अपने से कौन बैर, कौन सा बाप अपने बेटा से बैर करता है? थोड़ी नाराजगी रहती है, बेटा को पता चल जाए कि उसका असली बाप कौन है, वो आ जाएगा हमारे पास, उसके लिए चिंता मत करिए। धर्म बदलिए भाई, और जिहादी नहीं चाहिए, माफ करिएगा सर, और जिहादी नहीं चाहिए। जितने नहीं, ये लॉजिक ही, अब आप इसको जो समझ लीजिए, इसको कट्टरवादी समझिए, जो जिहादी आप नहीं चाहिए। भाई बहुत परेशान है इस देश के जिहादियों से, कुछ गिने चुने अच्छे मुसलमान जिहादी मतलब क्या है, जो बोलते हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से सजा, सरतन से जिदा, वो हमारे थोड़ी हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, वो हमारे थोड़ी है, उनका समर्थन करने वाले हमारे थोड़ी है क्या अंकल? रुको जरा सबर करो। अब विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा बताओ, बताइए कौन बता रहे? सनातन, ठीक है, सनातन सबसे प्राचीन धर्म, 5000 साल पुराना, 6000 साल पुराना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या मैडम? कितनी? नहीं, 8 करोड़। उसमें क्रिश्चियनिटी कितनी है? क्रिश्चियनिटी कितनी है? कितनी ये फंस गया सी है, मैं जवाब लिया, जब सवाल ही नहीं हुआ मेरा। क्रिश्चियनिटी 31% है, अरे गजब। उसके बाद मुस्लिम है 26%, उसके बाद अनअफिलिएटेड पीपल, दोज़ हू नॉट बिलीव इन गॉड, सुनो गजब यार, दोज़ हू नॉट बिलीव इन गॉड, अभी भी पहला का आदमी पढ़ा ले, रिलीजियस नो रिलीजियस बढ़ते हैं। उसके बाद 15% हिंदू हैं। जब सनातनी है तो
तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सनातनी की होनी चाहिए, क्रिश्चियनिटी की मोमडनी की क्यों बताइए? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सनातनी की होनी चाहिए, क्रिश्चियनिटी की मोमडनी की क्यों बताइए? राजा सनातनी ने धर्म परिवर्तन करा ना, तो बचाया क्यों नहीं उनको? बचाया क्यों नहीं? सनातनी ने धर्म परिवर्तन करा ना, तो बचाया क्यों नहीं? बचाया क्यों नहीं? बाबा कहाँ ये? क्यों तेरे परिवर्तन करने दिया? बचाते कहाँ तक? गजब बेइज्जती। बोलने तक नहीं दिया यार बाबा ने उसे। ये बाबा कहाँ है भाई इनके? घर से कहते हैं सनातनी है हम। घर से कहते हैं सनातनी है हम। या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के भागो। ये आपका काम है, हमारा अभी बता दे। हम पूरा ले लेंगे। करो ऐसे चिल्लाने से हिंदू राज बनने से नहीं होगा। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, इस बधुए पांडे के साथ। इस बधुए पांडे को ना एक मुस्लिम लड़के ने एक्सपोज करके रख दिया। आखिर क्या एक्सपोज किया, तो वीडियो में खुद ही देख लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो शुरू। चलो भाई, सुनाने के लिए हम बोलेंगे कि सेकुलरिज्म केवल और केवल हिंदुओं ने निभाया, और आज हम टल गए कि कोई सेकुलरिज्म नहीं निभाएंगे। अब निभाएंगे तो केवल हिंदू राज। आपके चिल्लाने से थोड़ी ना आपके और क्या? आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आए तो क्या कारण है? सब लोग सब रहेंगे यहाँ पे, सब लोग रहेंगे। गजब यार। या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के भागो। ये आपका काम है, हमारा नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हम पूरा ले लेंगे, कश्मीर तो हमारा है, आधा जो उसके पास है ना पाकिस्तान, वो भी ले लेंगे। सबर करो ऐसे चिल्लाने से हिंदू राज बनने से नहीं होगा। सबर करो ऐसे चिल्लाने से हिंदू राज बनने से नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। हिंदू राज था हाँ, पहले क्या था, जब मुगल था, अंग्रेजों का जमाना था, तब हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे यहाँ पे, फिर तो अब क्या दिक्कत है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये आप ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, आप ये तो कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, भाई साहब की समर्थन दे रहे हैं। इनके जाने से अगर हो जाए तो ठीक है, राम मंदिर के बारे में भी यही सोचे थे कि उनके चाहने से बन जाएगा, उनके चाहने से बन जाएगा मंदिर, वही बनाएंगे। तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी हो गई, मंदिर के लिए पत्थर भी आ गया, मूर्ति भी तैयार हो गई है। आप जय सियाराम बोलेंगे इनका पूछना है? नहीं बोलेंगे। आप जय सियाराम बोलेंगे इनका पूछना है? नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों अगर क्या जबरदस्ती है यार, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और ऐसे हमारे देश में बहुत से राज्य हैं जहाँ इस्लामीकरण बहुत बुरी चरम पे है, और उसका जिम्मेदार कोई मुसलमान समुदाय नहीं, केवल और केवल हिंदू समुदाय है। ये पलटी खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पीछे हटता है। आज हम अखंड भारत की मांग नहीं कर रहे, छीनने निकले हैं और लेके वापस आएंगे। तेरा बाप तेरी माँ परेशान। ये बंदा पाकिस्तान वाले भी आ जाएं, ये बंदा खतरनाक। देखता हूँ ये कैसे शांत होंगे। नहीं कहते हैं ना मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, भैया 20% हैं, तुम उनकी तो कर ही रहे हो। और जब 20% पाकिस्तान से आ जाएंगे, 20% और आगे से आ जाएंगे, 20% और आगे से आ जाएंगे, जब ये अखंड भारत बन जाएगा, निकलोगे कैसे? एरिया की रूट बदल रहे हैं, जिस रूट से जानी रहे, नारेबाजी ऐसी हो रही है, लोगों को भड़काने का काम किया। कुल मिला के बात यह है, पूरे भारत वर्ष हमारा है, हमारा जाति क्यों है यार? मन करेगा रैली निकालेंगे, किसी के बाप में दम नहीं है रोकने के, बाप में दम नहीं है रोकने के। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कुछ लोग होते हैं हिंदू लोग, दूसरे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। समझाओ इसे। गाड़ी से लोग निकाल लेते यात्रा, मदनी तेरे बाप का नाम, जय सियाराम ऐसे नारे लगाते। अब कोई मुसलमान भाई तो वो अपना निकाले ताजिया, और उसमें बोले हिंदुओं को बोले अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। बात तो सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दंगाई क्यों बढ़ रहा है, बताइए इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई मुसलमानों का भी देश में उतना ही अधिकार है जितना हिंदुओं का है। आई होप भाई अपने क्लिप सारी इंजॉय करी हो, तो रिएक्शन अच्छा लगा हो तो रिएक्शन पे लाइक कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा भाई ये इसकी जो बकवास है। वैसे मैं बनाना नहीं चाहता था एड, बट मेरे पे 2-4-6 कमेंट ऐसी थी जिसमें था कि भाई दूसरा पार्ट बनाओ इस बद्दू पांडे पे, रिएक्शन दो। तो दे दिया, आई होप भाई आपको अच्छी लगे। और पहली बात भाई,
अंधभक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भाई लाइक भी नहीं करें, डिसलाइक करके चले जाएं, क्योंकि उनके भेजे में घुसने से रही जो इस बद्दू पांडे का भक्त हो या इसका फैन हो या जो भी हो, क्योंकि इसकी बात गधे की लात में, फिर बोल रहा हूँ, इसकी बात ऐसी होती है एक पैर इधर होगा एक पैर इधर होगा, जो मतलब सिर से ऊपर जाती है, बट ये बोलने से मतलब रखती है। और सबसे एक मेन बात, इसके जो पीछे जो चार छः लोग होते हैं ना, वो सब इसी के होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे उन बाबा ने यार क्या कर रहे जवाब दिया ना यार, मतलब इसको कोई नॉलेज भी नहीं है, उन्होंने ऐसी ऐसी बात पूछी है, तो इससे पता चलता है यार जो इसके और इंटरव्यू में होता है ना 10-12 लोग जो ताली बजाते हैं वो इसी के संग के होते हैं। तो बस आई होप आपको पसंद आया रिएक्शन, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आते रहते हैं अपने सब आता रहता है, और कमेंट करके बता सकते हो कि किस पे मतलब ठग लाइफ, मतलब कोई नेता के ऊपर या मतलब किसी पे भी रिएक्शन दे सकता हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक ले बाय एंड टेक केयर।